ये मेरा डॉग है एस्टर जी, ये देखो ठीक. और फादर इसका है जो इंपोर्टेंट इंडियन चैंपियन अर्नी फायर अटैक 86 इंटरनेशनल चैंपियन जोरो एकलैंड का ग्रैंडसन है. हेड साइज देखो आप इसका, ठीक है. और आज तक बहुत से भाई आए मेरे YouTube वाले जी. लेकिन उन्होंने कभी भी एस्टर के ओनर को दिखाया नहीं है. बच्चे बेचते हैं एस्टर के, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि एस्टर का ओनर कौन है, एस्टर किसके पास है, कभी नहीं बताते. अपने पास इसके पपीज अभी भी अवेलेबल है. ये देखो कितने कितने ब्रॉड हेड, बिल्कुल बिल्कुल. क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे जी? ये देखिए सर, क्वालिटी आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिख ही रही है लाइव. हेलो एंड वेलकम गाइस, आज आपको लेकर आए हैं तनवर भूरा जी के पास, जो कि स्पेशली रॉटवाइलर की ब्रीडिंग करते हैं. हेलो सर. नमस्कार सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ जी. अच्छा जी सर, तो सर स्पेशली आप रॉटवाइलर में ही क्यों ब्रीड करते हो? सर रॉटवाइलर देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रीड है जी, अच्छी है, गार्डिंग पर्पज के लिए बहुत अच्छी है. लोग बड़ा डरते हैं कि रॉटवाइलर नहीं लेना चाहिए, ये काटता है ऐसा. ये देखो, ये मेरा डॉग है एस्टर जी. ये देखो कोई काटा इसने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लोगों के अंदर एक अफवाह है इसका कि हेड बहुत चौड़ादार है जी, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हेड का डॉग है जी ये, ठीक है. इमेज बड़ा हो चुका है ये. हाँ जी. क्या रीजन है? बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है जी. पेडिग्री का, ब्लड का मेन होता है जी सिस्टम जी. मदर फादर का, ग्रैंडफादर का. कौन सी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है ये? इसकी मदर साइड जो है वो इंपोर्टेंट इंडियन चैंपियन रेमो सचिन की डॉटर है. ओके. और फादर इसका है जो इंपोर्टेंट इंडियन चैंपियन अर्नी फायर अटैक 86 इंटरनेशनल चैंपियन जोरो एकलैंड का ग्रैंडसन है ये. ओके, मतलब इंटरनेशनल चैंपियन ब्लड लाइन कैरी करता है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे को पता ही नहीं था इस चीज के बारे में जी. हाँ जी हाँ जी. ओके, तो सर इसके पपीज भी अवेलेबल होते हैं जी आपके पास? जी सर, अपने पास इसके पपीज अभी भी अवेलेबल है. ओके. और बड़े अच्छे, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही अच्छे लगते हैं, बनते भी बड़े अच्छे हैं इसके पपीज. प्रोड्यूसिंग काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, अपने से भी ऊपर प्रोड्यूस करता है डॉग. सो गाइज अभी आपको सर के पपीज दिखाते हैं, आप हैरान हो जाओगे देख के. ये देखिए क्वालिटी, देखिए आप इनके बच्चों की. सर जी क्या बताना चाहोगे आप अपने बच्चों के बारे में? सर जी बताना गए एस्टर का प्रोड्यूस है, देखो ऐसे बच्चे अपने पास होते हैं. ये देखिए यही लोग पसंद करते हैं, और मैक्सिमम हाँ जो मैंने देखा है. ये देखो कितने कितने ब्रॉड हेड, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बड़े बड़े मजल, मजल कैसा जा रहा हाँ है. हाँ जी हर टाइप का बच्चा आता है. ये देखिए बॉडी साइज, क्या दे रहे हो खाने में आप इनको? खाने में आर्डिन रेंज फीड आती है जी, वो और एग साथ में. ओके, एग चल रहे हैं और फीड चल रही है इनकी. हाँ जी, हाँ जी. चिकन वगैरह नहीं देते आप? नहीं अभी नहीं, अभी 6 महीने तक मैं चिकन नहीं देता. ओके, 6 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे. हाँ जी हाँ जी. क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे जी? ये देखिए सर, क्वालिटी आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिख ही रही है लाइव. सुंदर बच्चे हैं गाइस ये. हाँ जी हाँ जी. कितने दिनों के हो चुके हैं जी ये? हो गए जी अभी 43 डेज के. 43 डेज के हो चुके हैं. हाँ जी हाँ जी. ओके, और बच्चे और भी है, काफी सारे हैं. ये देखिए एंजॉय कर रहे हैं, घास में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं. और ये भी हेल्दी एक्टिव बच्चे हैं. ये देखो सर, आपके पास थोड़ी फीमेल है, आपने बताया 5-6 डॉग्स हैं, तो ये रीजन क्या है कि आप कम क्यों रखते हो? ज्यादा जब केयर ना हो जी तो कम ही रखने चाहिए, जितने की हम केयर कर सकते हैं अच्छे से वो उतने ही. बहुत ही बढ़िया बात बोली है सर ने अभी, मैं भी इसी चीज को फॉलो करता हूँ, जितने की आप केयर कर पाओ उतने रखो. अभी ये देखिए एंजॉय करते फिर रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे. चलो बच्चे हैं, एंजॉय भी करना चाहिए. खुला छोड़ने के बारे में आपकी क्या विचार है जी डॉग्स को? खुला जरूर छोड़ने चाहिए जी बच्चों को, तभी वो ग्रो कर पाते हैं. ग्रोथ भी करेंगे जी इनके, जब पैर खराब नहीं होंगे खुला रहने से. कई लोगों की बड़ी शिकायत आती है, लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है जी. जी जी जी. क्या इशू रहता है? ज्यादातर केज में रखने की वजह से आती है जी, प्रॉपर केज में ही बच्चों को रखते हैं इसलिए आ जाती है, या कोई मल्टी विटामिन अच्छे से नहीं देते तब आती है. खाने का बड़ा इशू होता है, कई लोग खाना भी अच्छा नहीं देते. हाँ हैं इस वजह से, या फिर बांध के रखते हैं. हाँ, वो भी आई थिंक स्पेस देना चाहिए डॉग को, बिल्कुल, बिल्कुल. तभी वो अच्छे तरीके से रेडी हो पाएंगे. जी, जी. और ये देखिए आप बच्चे इनके, ये अपना एस्टर. सो गाइस ये देखिए बाहर निकल के ये डॉग कैसा दिखता है. सो गाइस वैसे तो आप इस डॉग को पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये काफी पॉपुलर है ऑलरेडी, ये वीडियो बनने से पहले ही ये डॉग बहुत पॉपुलर है. और इसके जो पपीज़ हैं वो बहुत ही सुंदर आते हैं, और ऊपर से ये इंटरनेशनल चैंपियन प्लस इंपोर्ट ब्लड लाइन कैरी करता है, और उसके ऊपर से इसका जो हेड साइज एंड बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल अल्टीमेट है. प्रोड्यूसिंग बहुत सुंदर आ रही है इसकी, पपीज़ काफ़ी सुंदर आते हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. सो अगर आपको भी ये डॉग और इसके पपीज़ पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी आपको मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी और दिखाने वाला हूँ.
ये देखिए जी फीमेल, ये इम्पोर्ट लियोन की डॉटर है। फायर देखो इसमें कितनी आग है, इसका जो कलर है वो देखो कितना प्यारा है, पैर, ईयर सेटिंग, हेड, साइज देखो साइज, बॉल को देख के तो बिल्कुल पागल हो जाती है। ऐसी क्वालिटी के अपने पास फीमेल हैं जी सारी, और इसी क्वालिटी की हम फीमेल मैटिंग करवाते हैं और अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करवाते हैं, और अपने पास अच्छी क्वालिटी के ही बच्चे होते हैं और बड़े होकर के भी वो अच्छे ही बनते हैं। आप क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, बच्चे इनसे ऊपर बनते हैं। एक ये है जी अपनी फीमेल, ये आस्को की ग्रैंड डॉटर है। इसको देखो, फायर देखो जी इसमें, चेस्ट देखो इसकी, ठीक है, देखो बोल को देख करके कितनी पागल हो रही है कुत्ती। देखो नेचुरल स्टैग जिसको हम बोलते हैं, सारी अपने पास ऐसी ही फीमेल्स हैं, मतलब क्वालिटी में ही काम करते हैं जी हम। ये नहीं कि लोग बड़े डराते हैं कि रोटवेलर नहीं लेना चाहिए, ये काटता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मर्जी। और हेड साइज बड़ा होने के साथ साथ फ्रेंडली भी है। हाँ फैमिली डॉग है, तो लोगों ने वैसे ही अफवाह फैला रखी है कि रोटवेलर अग्रेसिव होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने देखो किसी तरह से भी अग्रेसिव दिख रहा है आपको? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी मैं भी मिला हूँ इससे, अभी कुछ नहीं बोल रहा मेरे को। और आप एटीट्यूड देखिए इसका, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी। हेड देखिए कितना बढ़िया जा रहा है इसका, इम्पोर्ट विम्पोर्ट जैसा लग रहा है जी, बिल्कुल देखने में लगता ही नहीं है कि इंडिया का ही है कुछ। जी 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 बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कितना सुंदर जा रहा है ये देखिए, इसकी नोज इतनी छोटी कैसे रहेगी जी? नहीं खैर ज़्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन अच्छी है थोड़ा। मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड लाइन का है। तो अकेला रोटवाइलर में ही क्यों ब्रीड करते हो जी आप? सर जी मेरे को ब्रीड शुरू से ही बड़ी अच्छी लगती है। ओके। स्टार्टिंग में मैं रोटवाइलर की एक फीमेल बच्चा लेके आया था, उसको रखा, मतलब फिर एक से मैं दो कर ली, तीन कर ली, वैसे शौक के लिए। और 2006-07 से मैं रख रहा हूँ, और ब्रीडिंग में मैं 11 या 12 से ब्रीड करने लगा हूँ। उससे पहले मैं शौक के लिए बस वैसे ही रखता था। मतलब अभी आपको हो गए हैं लगभग 12 साल, 10-12 हाँ साल? जी, हाँ जी। 10-12 साल का ब्रीडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा जी आपका फिर? बहुत अच्छा रहा सर, कुछ उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन अभी मतलब ओके है, अभी से चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अच्छी वो बात है। इसके कारण है सिर्फ, इसने ही फेमस किया लाइफ का, ये सबसे बेस्ट डॉग है जब से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा आने का रीजन भी यही डॉग था, क्योंकि ये है ही नहीं किसी के पास ऐसी चीज यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। आज तक बहुत से भाई आए मेरे YouTube वाले जी, लेकिन उन्होंने कभी भी एस्टर के ओनर को दिखाया नहीं है। बच्चे बेचते हैं एस्टर के, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि एस्टर का ओनर कौन है, एस्टर किसके पास है, कभी नहीं बताते। चलो वो देखो जी उनकी बात है, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको। उनके साथ भी मेरी अच्छी बनती है, तो मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता। नहीं, मैंने गलत तो उनको नहीं बोला, प्रमोट कर रहे हैं वो एस्टर का। एस्टर का नाम तभी तो मतलब उन्होंने ही फेमस किया, मेरे को तो इतना ज्यादा नहीं जानते थे। इस वीडियो से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ जी, लोग जानेंगे कि एस्टर का रियल। अभी ये तो जानते हैं लोग कि एस्टर है किसी के, लेकिन ये तो नहीं पता कि तंवर बुरा के पास है एस्टर। जी 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 सही बात है, अब पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा। वैसे इतना अच्छा डॉग तैयार करने में मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज वगैरह लाइक बहुत मेहनत लगी। खाने पीने में क्या देते हो आप इसको? मैं इसको चिकन भी देता हूँ, चिकन में देता हूँ, एक्टिव एडल्ट फीड भी देता हूँ, एग भी देता हूँ, और मल्टी विटामिन हो गए, ठीक है जी। जी कि रखने पे भी बहुत डिपेंड है, क्योंकि हम उसको कैसे रखते हैं उसका बड़ा फर्क पड़ता है। कहीं मैंने लैब्राडोर भी ऐसे देखे हैं जो काटते हैं बिल्कुल, और ये तो फिर रोटवाइलर है, मतलब है ही गार्डिंग वाली ब्रीड। बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई चोर आ जाए तो डर भी होना चाहिए। अगर कोई घर में आप इस ब्रीड को रख के, अगर कोई घर में मतलब ताला वगैरह लगा के भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोर या किसी तरह कोई एंटर कर जाएगा। ये ऐसी ब्रीड है, इतने तगड़े डॉग के देखे तो वैसे भी कोई भी डर जाएगा। लैब का थोड़ा ऐसा रहता है कि वो उसके भी पैरों में ऐसे खेलने लग जाएगी, वो तो चोरी हो जाते हैं खुद लैब ही चोरी हो जाएंगे ना, उसको तो कोई उठा के ले जाएगा सामान के साथ, उसको कोई चोरी करने की भी नहीं सोचता, कोई घर में घुसने की भी नहीं सोचेगा जी। अभी मेरे चैनल पे लोग सोचते हैं आने के बारे में कि भाई बंधे हुए हैं, नहीं जी खुले हैं डॉग। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस सर का आपने डॉग देखा है ये, अभी मैं आपको इनको ऑफिस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये इनका सारा ऑफिस है। रोटवाइलर की ही पिक लगा रखी है सर ने, मतलब प्रेम प्यार है ही रोटवाइलर के साथ सिर्फ, है ना जी? जी 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 बिल्कुल। तो ये इनका प्यारा सा डॉग है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस।